आप सभी का मेरे चैनल स्वागत है। देखिए मैं टेरेस गार्डन काम करूँगी। ये है मेरा गुलमोहर का प्लांट था जो अम्बरेस लिली इसमें था, इसलिए मैंने निकाल के बड़ा हो रहा था, मैंने इसको अलग ट्रांसफ़र कर दिया था। मुझसे ये गलती को मैं शाम को ही करा था, पर मैंने शेड में था तब भी ये मर गया मेरे से। तो मेरे पास इसके दो सीड आए थे, मैंने कैंप मंगवाया था उसमें गर्मी सर्दी के सूट थे, तो ये इसे मैंने ग्रो करा था। ये देखिए, और वैसे ये कम से कम 4-5 महीने में ग्रो हुआ था, इसका सीज़न यही है। और ये देखिए 4थे दिन में ये ग्रो हो गया है। तो गुलमोहर के 2 सीड आए थे मेरे पास, मैंने दूसरा ग्रो कर लिया है, क्योंकि इसे ये भी कुछ छतरी की तरह होता है और कम से कम 4-5 साल बाद इसमें फूल आता है, बहुत सुंदर लगता है ये। तो मैंने इसे ग्रो कर लिया, इसी ग्रो भी हो गया, देखते हैं कब तो ये बनता है, मेरा पेड़ कन्वर्ट होता है। तो कैसा लगा, आप भी सीड ग्रो करिए। देखिए तो मैंने बैटरी में सीड ग्रो करा है, और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए डॉट पैटर्न ब्राइटा की, देखिए दोनों सीड ग्रो हुए, मॉर्निंग ग्लोरी है, अलग अलग कलर की बोई है, एक मॉर्निंग ग्लोरी, ये है चिड़िया है, इधर देखिए वो है होली हॉक, ये कॉलियस है, स्टिंगर है, कॉसमॉस, इधर ये देखिए ब्लू सुगरी है, इधर ये जीनिया उड़ा है। तो अच्छी स्मूथ सबकी ग्रोथ होने चालू हो, जिसका जो सीजन आ रहा है, तो आपने भी सब नई ग्रो करने चालू कर दिए होंगे। तो देखते हैं, और वो देखिए गर्मी से वो अपराजित मर गए, 2 थे पहले मर गया, ये दूसरा भी लटक गया है। बारिश जो पहले कब होके चुकेगी समझ में नहीं हो रहा, हमारे प्लांटों की हालत खस्ता होती जा रही है कुछ। ये देखिए जो नाजुक प्लांट होते हैं, जैसे ये इंडोर प्लांट जो मैं नीचे रख नहीं सकती स्पेस की वजह से, और ये देखिए जगह नहीं है नीचे रखने की, जगह जल गया था तो मैंने इसे इधर रखा है। और आपको दूसरा दिखाती हूँ मेरा प्लांट, ये देखिए एरिका पाम तो जल ही गया, ये देखिए इसको तीन छाया में कर रही हूँ। और इधर देखिए एक मेरा कोर्टोन का, ये देखिए एक तो ये बिल्कुल जल के डार्क हो गया, ये देखिए डंडी डंडी बची है, बारिश पड़ते ही ये हरा भरा हो जाएगा। और ये देखिए दूसरे की भी हालत, ये उधर था मैंने उधर रखा था, तुम्हारे उधर तो बुरी हालत हो गई, तो इसकी जहाँ जगह मैंने वहीं रख दी है, ऐसे मैंने पेड़ों की छाव में रख दिया बीच में, जिसे बचा रहेगा। तो वैसे सही साल चल रही है, देखिए अंगूर की बेल को मैंने ऊपर दे रखी सपोर्ट, और ज़रा खास नुकसान तो नहीं है, बस ये जो थोड़े बहुत हैं जैसे क्लाइंट जो हैं वो जल गए, अब के कभी नहीं जलते, बचा दिए जो पेड़ों की छाव के बीच में वो बच गए हैं, और नहीं तो वैसे जो वैसे हैं वो जल गए हैं। जैसे मेरा पत्थर चट्टा का प्लांट है वो जल गया है, और ये देखिए मेरे ये है बालसम की सीड ग्रो हो गए हैं 5, 1, 2, 3, 4 मेरे काफ़ी सारे डाले, 2 तरह के देखते हैं कौन से कलर है। तो ये बालसम के सीड ग्रो हो गए हैं, और इधर देखिए जो मैंने मंगवाया था गलाडिया का, तो देखिए 4 तो मर गए थे, एक बच्चा ये इसमें अलग आया था, ये बिन केयर के अपना आप ही सही उगरा है। ये मेरा मोरी चोरी, और इधर देखिए हमारे करेले उग आए हैं, ये देखिए अपना इधर भी गया है, ये मिट्टी के अंदर बीज थे तो करेले तो कई सारे उग आए हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों ने भी सभी विंटर की सब्जियों का, समर सीजन की सब्जियां, और वो विंटर तक ही चलती हैं क्योंकि विंटर पड़ते होते में फंगस लग जाता है, पत्तों के नीचे पीले पीले कीड़े, और मिलीबग का बहुत बुरा अटैक होता है कि बारिश की वजह से, तो उनको जब भी बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पर ये तो गार्डनिंग वालों के साथ चलता ही रहता है, तो करिए, फल तो करने पे ही मिलेगा हमें, ज़िंदगी का काम ही है, करते जाओ, फल के ऊपर क्यों नहीं होगा, तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। बाय दोस्तों।